व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सभी महर्षि बोले, आप हमें वेदांत सार सर्व रूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सभी महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों छह कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उनकी इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास आए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में कहने लगे, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहां से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिनमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ था, वे ही देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनके दर्शन नहीं होते हैं। रुद्र हरि हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं की कृपा प्रसाद से उन्हें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब महर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निःस्पृह होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म के अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, वही परमेश्वर पद की प्राप्ति होती है। वही सालों के आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों को भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के होते हैं जिनका साक्षात महेश्वर जी ने प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधनों को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुतियों का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साधे को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिन वस्तुओं का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है उसे श्रवण इंद्रियों द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह से साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालों के आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौलिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास
और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसको ही मनन कहते हैं। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है, उसे समस्त श्रेष्ठ साधन में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा, सो उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा, वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों महत्व साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद संबत हैं। पूर्व काल में दूसरे दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मदरांचल पर जा पहुंचा। वहां तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद संबत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में इस उत्तम वृतांत को मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण आदि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय से अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत से कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है?